मस्जिदों पर अपनी चालों का मकर जाल फैलाने के बाद अब चीन चर्च का दुश्मन बन बैठा है। चीन की सरकार ने तिब्बत के बौद्ध समुदाय और शिनजियांग के उइगर मुसलमानों पर अत्याचारों की इंतहा करने के बाद अब अपना अगला शिकार खोज लिया है और वो शिकार है ईसाई समुदाय। चीन की सरकार के हालिया सख्त कदम बताते हैं कि अब चीन में मौजूद 12 मिलियन कैथोलिक ईसाइयों की खैर नहीं। चीन ने ईसाइयों के सबसे बड़े स्थल वेटिकन सिटी के साथ 2018 में किए गए एक सीक्रेट समझौते को दोबारा रिन्यू किया है। चीन को अमेरिका की तरफ से लाख घुड़कियां मिली। चीन में रोम वफादार पादरी कहते रह गए कि इस डील से उन्हें केवल और केवल हाशिए पर धकेला जा रहा है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और अब इस डील को रिन्यू कर दिया गया। क्या कहती है चीन और वेटिकन की ये टॉप सीक्रेट डील? अब तक किसी भी देश में बिशप की नियुक्ति पोप द्वारा की जाती रही है और स्थानीय सरकारें उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाती हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बदनाम चीन ने चर्च की आज़ादी को भी अपने चंगुल में लेने का प्लान बनाया। 2018 में हुई ये डील कहती है कि अब चीन में बिशप की नियुक्ति पर केवल पोप का ही अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि बिशप की नियुक्ति में चीन की मनमर्जी भी चलेगी। अमेरिका ने वेटिकन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि इससे चाइनीज कैथोलिक्स को प्रताड़नाओं से नहीं बचाया जा पा रहा है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि इस एग्रीमेंट को 2 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। पहले इसी साल जुलाई में खबरें आई थीं कि चीन के कई राज्यों और शहरों में सैकड़ों ईसाई धार्मिक चिन्ह हटाए गए, क्रॉस निकाल दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गईं, प्रभु यीशु की तस्वीर हटवा कर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और माओ त्सुंग की तस्वीरें लगाने के आदेश दिए गए। जिसने इसका विरोध किया उसके साथ मारपीट हुई। चीन की सरकार ने बाकायदा अपने आदेश में कहा है कि ईसाई यानी क्रिश्चियन समुदाय के लोग अपने घरों से प्रभु यीशु की तस्वीरें और चर्चों से क्रॉस और मूर्तियां हटवा दें। प्रभु ईसा मसीह की जगह चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्सेतुंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें लगाने के तानाशाही आदेश दिए गए। इसी साल की शुरुआत से लेकर अब तक चीन की सरकार ने 5 राज्यों अनशुई, जियांसू, हेबई, झेजियांग और अनहुई के चर्चों से सैकड़ों धार्मिक चिन्हों को तोड़वा दिया। और अब जब इतने से भी पेट नहीं भरा तो चर्चों के भीतर अपने चमचे फिट करने के लिए चीनी सरकार ने मनमर्जी के बिशप नियुक्त करने का रास्ता ढूंढ निकाला है।